भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% से ज्यादा जनसंख्या यहाँ कृषि पर ही निर्भर है। कृषि को उन्नत और आसान बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो इस क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो या फिर किसानों की आय का स्रोत बढ़ाना हो। देश की अग्रणी संस्थाएं भी लगातार नई नई खोज कर रही हैं ताकि खेती किसानी को सरल बनाया जा सके। खेत जो मिट्टी की सेहत होती है उससे क्या फसल होगा, कैसे फसल होगा, उसका ये ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्या हमारा आउटपुट हो और मतलब क्या उससे निकले, तो खेत की सेहत को कैसे मॉनिटर करें, कैसे हम ध्यान से देखें और कैसे उससे इंफॉर्मेशन, अगर क्या केमिकल है जैसे अमोनिया या ह्यूमिडिटी, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ की रेगुलर एनालिसिस और रेगुलर चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होने के की वजह से हम क्या डिवाइस जो किसानों को मदद कर सके वो बनाना एक बहुत अति आवश्यक है। यही IIT गुवाहाटी का एक बहुत बड़ा एक इन्वेंशन है। तकनीक के जरिए किसानों की तकदीर बदलने की कवायद में लगे वैज्ञानिकों का मानना है कि तकनीक से न सिर्फ खेती आसानी से होगी बल्कि इसमें लगने वाली लागत भी बेहद कम हो जाएगी। इसी सोच को लेकर IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिक ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जो न सिर्फ किसानों का नया साथी बनने के सारे गुण मौजूद रखता है बल्कि इससे खेती में किसानों की लगने वाली लागत भी बेहद कम हो जाएगी। ये जो पोर्टेबल डिवाइस जो बनाया है वो डायरेक्टली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो इसकी वजह से क्या है, हम लोग डिवाइस डायरेक्टली बनाकर उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं और एकदम छोटे साइज में, और वो मास प्रोडक्शन में तुरंत ही हम ले जा सकते हैं स्केल अप करके। और इसी एक ही डिवाइस में हम 3 या 4 सेंसर और जितने भी सेंसर चाहिए उसका एनालिसिस, जैसे एक जगह है जहां पर लोहे की मात्रा ज्यादा है, कहीं और अगर मिट्टी में ये पानी की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा अगर कम है, तो ये सबके एनालिसिस जहां पर अगर किसान है उस जगह या उस मिट्टी के एनालिसिस के लिए जो भी सेंसर चाहिए हम वो छोटे से सेंसर में 3D प्रिंट करके डायरेक्टली एनालिसिस के लिए बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसका मास प्रोडक्शन स्पेशल लोकेशन और स्पेसिफिक जगह के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, और ऐसा नहीं कि एक ही सेंसर है एक ही जगह, अगर हमको मल्टीपल सेंसर भी एक ही डिवाइस में बनाना है तो आसानी से हम बना सकते हैं। देश के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी मिट्टी का सही ना होना, यानी मिट्टी का स्वास्थ्य। ये खेती का एक ऐसा पहलू है जिस पर न सिर्फ फसलों की पैदावार निर्भर होती है बल्कि इसका सीधा संबंध किसानों की आय से जुड़ा हुआ है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो पैदावार कम होगी, और पैदावार कम होगी तो किसानों की आय भी कम होगी, जिसका असर अगली सीजन की खेती पर पड़ेगा। ये समस्या देश के करीब करीब ज्यादातर किसानों की है। जो किसान होते हैं उनको कई समस्याएं हैं, उनमें से एक प्रमुख समस्या ये है कि जो खेत की मिट्टी होती है उस मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती कि उनकी मात्रा क्या है। जब वो उसमें खाद डाल रहे तो उससे क्या नुकसान हो रहा है मिट्टी को ज़्यादा खाद डाल देने पे, या फिर मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, इन सब के कारण कई बार क्या होता है कि जो किसान होता है उसकी खेती में उसे नुकसान हो जाता है। इस कारण से हमने सोचा कि एक इस सेंसर को डेवलप किया जाए ताकि वो इन्फॉर्मेशन देता रहे किसानों को कि क्या लेवल चल रहा है उनके अमोनिया के प्रेजेंस का या ह्यूमिडिटी का इनके सॉइल में, उस हिसाब से वो अपनी उसी हिसाब से वो उसमें फर्टिलाइजर्स या जो भी वो करना चाहें प्रोसेस कर सकते हैं। देश के किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसे खेती का डॉक्टर कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तकनीकी डॉक्टर मिट्टी के स्वास्थ्य पर पैनी नजर रखता है और सलाह देता है कि कैसे किसान अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है। मिट्टी के स्वास्थ्य में अमोनिया की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ज्यादातर किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होती।
जानकारी के अभाव में किसान परेशान रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी फसलों की उपज क्यों घट रही है। मिट्टी जो होती है उसकी सेहत क्या है, और उसमें दो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, एक तो ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर जो रहता है, और दूसरी है जो फर्टिलाइजर वो लोग यूज करते हैं तो उससे अमोनिया कितना निकलता है। तो ये अमोनिया का डिटेक्शन, अमोनिया का कितना परसेंटेज इसमें है, मिट्टी में है, उसका हर रोज रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। तो उनके हाथ में अगर हमने एक पोर्टेबल छोटा सा डिवाइस अगर बनाकर दे दिया, जिनकी वजह से वो हर वक्त जब भी उनको खेती फसल नहीं लगानी है, नए बीज डालने हैं, उसका अगर वो खुद ही एनालिसिस अपने खेत में तुरंत ही अगर कर दे तो बहुत ही उनको मदद मिलेगी। इसलिए इस टाइप के छोटे छोटे, मैंने जो दो एग्जाम्पल दिए, एक अमोनिया और ह्यूमिडिटी का, पर इसी तरह और भी क्या क्या न्यूट्रिएंट है, क्या क्या रेत मिट्टी में मिल सकते हैं, अलग मेटल्स हैं और क्या कंटेंट है, वो भी अगर उसकी जांच अगर हो सकती है लैब में, लैब की जगह मतलब खेत में, तो ये बहुत ही किसान को फायदा होगा, ताकि वो बाहर जाने के का समय बच सकते हैं उनके लिए, और खुद ही अपने खेत में ही वो सब एनालिसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये मुमकिन है क्योंकि ये जो डिवाइस जो बनाया गया, छोटा सा डिवाइस, सेंसर डिवाइस, वो खुद ही उनको दे सकते हैं और खुद ही वो एनालिसिस अपने खेत में कर सकते हैं। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर ने इस नई तकनीक को अमोनिया सेंसर के नाम से विकसित किया है। इसका काम मिट्टी में मौजूद अमोनिया की मात्रा पर नजर रखना है, और इसका पूरा डेटा ऐप के जरिए किसान अपने पास रख सकता है। साथ ही साथ ये तकनीकी सलाह भी देती है कि किसान मिट्टी में मौजूद अमोनिया की मात्रा किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। सेंसर से मिली जानकारी के बाद किसान सही तरीके का इस्तेमाल कर अपनी मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। हमने ये सेंसर फ्लेक्सिबल माध्यम से, आसान से इंक के जरिए से हमने डेवलप किया है, और अभी इससे जो डेटा एक्वायर होगा उसको सेंस करने के लिए और लोगों के फोन या ऐप तक ले जाने के लिए हमने कंट्रोलर बनाया है, जिसको हमने ब्लूटूथ और वायरलेस के जरिए हमने जो डेटा है उसको ट्रांसफर किया है। और बेसिकली हमने ऑर्डिनो नामक कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, और AC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल और ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया है। और इसके अलावा हमने ह्यूमिडिटी सेंसर के लिए हमने DHT11 नामक एक ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ किया है। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम, इफको नैनो यूरिया। इफको नैनो यूरिया, साफ जल समृद्ध माटी, इफको नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा, इफको नैनो यूरिया से फसलों की सुख समृद्धि और बढ़ेगी, ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफको का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफको नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया, इफको नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफको नैनो यूरिया। इफको नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर दो बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के एक सप्ताह पहले। इफको नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इस नई तकनीक का इस्तेमाल किसान मिट्टी में मौजूद पानी की मात्रा के लिए कर सकता है। मिट्टी की नमी फसलों के लिए प्राणवायु होती है। अगर मिट्टी में नमी कम है, मतलब फसल में नुकसान। मिट्टी को मिलने वाले ज्यादातर उर्वरक इसी नमी के जरिए मिलते हैं, इसलिए मिट्टी की नमी सही और सतत हो ये बेहद जरूरी है।
ह्यूमिडिटी सेंसर एक रेजिस्टिव सेंसर है जिसपे जब भी मॉइस्चर जुड़ने लगते हैं और मॉइस्चर के माध्यम से उसमें करंट की मात्रा बढ़ने लगती है, जब उसके रेजिस्टेंस कमने लगता है तो उसका करंट बढ़ने लगता है, इसी माध्यम से वो ह्यूमिडिटी को सेंस करता है। किसान इससे ह्यूमिडिटी और उसके अमोनिया के प्रेजेंस के बारे में बता सकता है कि जो उसके मिट्टी में कितना अमोनिया का प्रेजेंस है और क्या ह्यूमिडिटी चल रही है, ताकि ये उसे फायदा मिले कि वो क्या इसमें और खाद जोड़ना चाहेगा, या फिर उससे पता रहे कि उसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी सही मात्रा में उसमें अमोनिया है या नहीं है, ताकि नाइट्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन का अमाउंट उनके जो भी प्लांट्स होंगे उनको पहुंच जाए। किसानों की मिट्टी का ये डॉक्टर ना सिर्फ अमोनिया और नमी पर नजर रखता है, बल्कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की मात्राओं की जानकारी किसानों को देता है। यानी मिट्टी का ये डॉक्टर किसानों का नया साथी साबित हुआ है। पोषक तत्वों के बारे में जो जानकारी चाहिए होती है किसानों को, वो बहुत जरूरी होती है। इसी कारण से ये सेंसर डेवलप किया गया था, ताकि किसान को इसके पोषक तत्वों की भी जानकारी मिलती रहे। किसी भी एक न्यूट्रिएंट को, जैसे हम मान लेते हैं फॉस्फोरस है, कोई भी पोटेशियम है, उसको सेंस करने के लिए अलग अलग टाइप के हम केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे एमोनिया को सेंस करने के लिए हमने SiO2 यूज़ किया, उसी तरीके से फॉस्फोरस और पोटेशियम नामक अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, एलिमेंट्स को सेंस करने के लिए हम इंक के माध्यम से उसको सेंस करते हैं, जिससे उसमें करंट की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है। IIT गुवाहाटी की टीम पिछले 2 साल से इस तकनीक को विकसित करने में लगी है। टीम का कहना है कि इस तकनीक के जरिए मिला डेटा किसान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देश की सबसे अग्रणी तकनीकी संस्था का दावा है कि इस सेंसर को तैयार करना बेहद आसान है और इसका निर्माण बड़े पैमाने पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इस तकनीक के विकास में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन प्रिंटेड सेंसर्स को बनाने के लिए पहले तो हमारे दिमाग में ये विचार आया कि क्योंकि हमें इसे इस तरह से बनाना है कि ये मास स्केलेबल हो, तो सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि किस तरीके से बनाया जाए कि वो आसान हो इसे बनाना। इस रीज़न से हमने शुरू किया इसको इंक के फॉर्म में डेवलप करके, ताकि इसको प्रिंट करके मास स्केल में डेवलप किया जा सके। तो पहली चुनौती तो यही थी कि इसकी इंक किस तरह से बनाई जाए। तो इंक बनाने के लिए हमने उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज़ किया एंड पॉलीमर्स का यूज़ किया, और उसका एक कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ा हमें जो कि प्रिंटिंग के साथ में कंपैटिबल हो। तो ये दिक्कतें हमें आई है। उसके साथ साथ इसको मास स्केल पे ले जाने के लिए किस तरीके से और डेवलप किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, इन सब लेवलों पे हमें तकलीफ हुई थी, जो कि डेवलप करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। IIT गुवाहाटी के लैब में तैयार हुए सेंसर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें चिप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कागज और प्लास्टिक से इस सेंसर को तैयार किया गया है। जिस विधि से इसको तैयार किया गया है उसे स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। यानी जिस तरीके से शादी का कार्ड तैयार किया जाता है, उसी तरीके से इस सेंसर को तैयार किया गया है। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। लाया खुशहाली लाया इसको नैनो यूरिया। जी हाँ, अब विश्व का पहला नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार केंद्रों में, IFFDC के डीलर्स के पास, विभिन्न सहकारी समितियों में। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। गुवाहाटी IIT लैब में ये सेंसर कैसे तैयार होता है, ये खुद इसको विकसित करने वाली टीम बतला रही है। इस सेंसर को डेवलप करने के लिए हमने स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है। हम 2 लेयर की प्रिंटिंग से इस सेंसर को बनाते हैं। पहली लेयर में हम
इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं जिसके लिए हम सिल्वर इंक यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर एक SiO2 की लेयर एक हल्की सी परत चढ़ती है जो कि मेन एक्टिव सेंसिंग लेयर होती है। तो दो टाइप की जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए हम दो स्क्रीन को डेवलप करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक स्क्रीन प्रिंटिंग का स्क्रीन है जो कि नॉर्मल कई न्यूज़पेपर और बाकी मीडिया प्रिंटिंग के लिए भी यूज़ होता है, बट हम जस्ट इंक का कॉम्पोजिशन चेंज करके इंक को इलेक्ट्रॉनिक बना के उससे हम सेंसर्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो है ये है इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स के लिए मास्क, और ये है ऊपर के एक्टिव लेयर के लिए मास्क। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से इन्हें प्रिंट करते हैं। फिलहाल मैं स्क्रीन को क्लैंप कर देता हूँ इस टेबल के साथ ताकि ईजी हो हमें इसको यूज़ करना प्रिंट करते टाइम। इससे होगा ये, जब मैं इस पर इंक प्रिंट करूँगा फेस को मैं उठा सकता हूँ और अपना डिवाइस हटा सकता हूँ यहाँ से। इस तरह से कुछ अभी इसे हम लगा देते हैं। हम इसे मार्कर से मार्क कर देते हैं कि ये कहाँ कौन से एरिया में प्रिंट करने वाला है। इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इन चार डॉट्स के बीच में ही प्रिंट होगा। ये एक प्लास्टिक सब्सट्रेट है जिसे हम यूज़ करेंगे स्क्रीन सेंसर डेवलप करने के लिए, सेंसर पे प्रिंट करने के लिए। क्योंकि मैं सिर्फ एक सेंसर बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं इसे हाथ से प्रिंट कर रहा हूँ, वरना इनको प्रिंट करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स आती हैं जिसमें एक साथ मास स्केलेबल प्रिंटिंग हो पाती है। बहुत सारे सेंसर्स एक साथ एक ही बार में प्रिंट हो जाते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंक एंड सिल्वर इंक जो कि हम डेवलप करते हैं खुद ही। सबसे पहले सिल्वर इंक को हम प्लेस करेंगे ताकि सिल्वर इंक से इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स डेवलप हो जाएं। क्योंकि ये इंक्स वेट होती हैं, हम इसे फिर क्योर करेंगे। एक बार प्रिंट होने के बाद हमें इसे ओवन में रखना होगा एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, जिससे ये इंक क्योर हो जाएगी। क्योर से मेरा मतलब है कि इसका सॉल्वेंट टूट जाएगा और ये सॉलिड की तरह चिपकी रहेगी सबस्ट्रेट पे। इसे कहते हैं स्क्विगी, और ये स्क्रीन, और नीचे सबस्ट्रेट ऑलरेडी लगा हुआ है। अभी हम इंक को स्क्रीन पे फ्लड कर रहे हैं। इस तरह से स्क्विगी को पुल करके हमने स्क्रीन को फ्लड कर लिया है। अब हम एक्चुअल प्रिंटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप, सबस्ट्रेट अभी एम्प्टी है और अब सबस्ट्रेट पे हम इंक डिपॉजिट कर चुके हैं, और इस तरह से हमारा एक इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड का प्रिंट आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप होगा इसे ओवन में डालकर ड्राई करना। अब हम इसे निकाल कर ओवन में ले जाएंगे। तो जो इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स हमने अभी प्रिंट किए उसे हम क्योर करेंगे एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स अब हम इलेक्ट्रोड्स को निकाल लेते हैं, और इस तरह से हम इलेक्ट्रोड को ड्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी इलेक्ट्रोड ड्राई हो चुका है। तो हम हमारे फर्स्ट प्रिंट को क्योर करके ला चुके हैं ओवन में से, और अब हम इस पर SiO2 की इंक की एक लेयर की प्रिंटिंग करेंगे। ये है इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स सिल्वर इंक से जो प्रिंट किए हुए हैं फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट पे। अब नेक्स्ट चीज़ है हम लोग इस पर एक्टिव लेयर प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम फिर से स्क्वायर एरिया को मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे प्रिंट होगा, उसके हिसाब से हम उन डॉट्स के बीच में हमारे इंटरडिजिटेटेड इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे इस तरीके से। अब हमें पता है कि प्रिंट कहाँ आएगा। अब हम यूज़ करेंगे SiO2 इंक, सेम जो हमने सिल्वर इंक के साथ किया उसी तरीके से। जस्ट क्योंकि यहाँ पे मास्क का शेप अलग है, एक डिफरेंट शेप में यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर से हम सेम चीज़ रिपीट करेंगे इस इंक के लिए भी। सबसे पहले स्क्रीन को हम फ्लड कर देते हैं, स्क्रीन फ्लड हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसको प्रेस करके जेंटली पुल कर देंगे, और इस तरह से हमारा सेंसर रेडी हो गया। अब इसे भी हम ड्राई कर देंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस ओवन में, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये है स्क्रीन प्रिंटिंग से बनाया हुआ फ्लेक्सिबल अमोनिया गैस सेंसर। अब हम इसको भी ओवन में ले जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें दोनों लेयर की प्रिंटिंग हो चुकी है। फर्स्ट IDG इलेक्ट्रोड्स भी हमने प्रिंट कर लिए, और ऊपर से एक्टिव लेयर भी प्रिंट कर ली है। अब नेक्स्ट चीज़ हम इस एक्टिव लेयर के ड्राई होने के बाद यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड्स पे इन वायर्स को लगा देंगे, जो कि एक सिल्वर टेप से बस सिक्योर कर रखिए ताकि एक अच्छा कनेक्शन बने, और फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह से ये डिवाइस
ये फ्लेक्सिबल डिवाइस प्रिपेयर हो जाता है। गुवाहाटी IIT के इस लैब में तैयार सेंसर की कार्य प्रणाली को परखने के लिए इसको दूसरे लैब में ले जाया जाता है, जहां सेंसर को अमोनिया के संपर्क में लाया जाता है और फिर अमोनिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये तय किया जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से अमोनिया इसमें सेंस होता है। ये इसका सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट प्लेट पे एक फिल्टरिंग फ्लास्क को पंप के साथ कनेक्ट करके लगाया हुआ है और ये सोर्स मीटर है जिसमें हम लोग मेजर करेंगे कितना अमाउंट अमोनिया ये मेजर कर रहा है। तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है सोर्स मीटर के साथ, नीचे हमने टेम्परेचर दे दिया है इसके फ्लोर पे ताकि जैसे ही हम लोग अमोनिया इसमें ड्रॉप करें वो वेपर्स फॉर्म में आए एंड सेंसर उन वेपर्स को कैच करके यहाँ पे हमें उसका सिग्नल दे। तो अब हम इसको अमोनिया का अमाउंट इसमें मेजर करेंगे। हमने सेंसर को कनेक्ट कर दिया है सोर्स मीटर से और हम यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आएगा। अमोनिया ड्रॉप करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ग्राफ है सडनली ऊपर की तरफ रेज कर रहा है। इसका मतलब है कि करंट अमोनिया के प्रेजेंस में रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जा रहा है और करंट के वैल्यू बढ़ती जा रही है। अमोनिया के वेपर्स ने हमें डिटेक्ट करके बता दिया कि अमोनिया का प्रेजेंस था यहाँ पे। पंप ऑन कर देंगे हम ताकि सारा अमोनिया बाहर चला जाए और जैसे आप देखेंगे जैसे पंप ऑन किया अमोनिया वेपर्स के बाहर जाते ही जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बढ़ गया है इसलिए करंट ड्रॉप वापस चालू हो चुका है यहाँ पे। और इस तरह से हम पीक्स बना सकते हैं अलग अलग वैल्यू के अमोनिया के जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना अमोनिया प्रेजेंट है। IIT गुवाहाटी की टीम का कहना है कि इसकी कीमत बेहद कम होगी जिससे किसान इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेंसर का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा सकता है क्योंकि इसको तैयार करने में जिन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसको तैयार करने वाली टीम इस सेंसर को लेकर खासी उत्साहित है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही देश के ज्यादातर किसानों के हाथों में ये सेंसर होगा और इसकी मदद से वे अपनी न सिर्फ पैदावार बढ़ा सकेंगे बल्कि अपनी आय में भी कई गुना वृद्धि कर पाएंगे।